जो मोदी सरकार को केंद्र में लगभग 4 साल हो गए हैं और अब अगले आम चुनावों की तैयारियां भी जोरों पर है, लेकिन इस बीच मोदी सरकार के लिए विपक्षी और साथी दल मुसीबत का सबब बनते जा रहे हैं। शुक्रवार को संसद में मोदी सरकार के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। इसी बीच चंद्रबाबू नायडू की TDP NDA से अलग हो गई है। आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा न मिलने से नाराज TDP ने शुक्रवार सुबह ये बड़ा फैसला लिया। आपको बता दें कि इस मुद्दे को लेकर पहले ही TDP कोटे के मंत्रियों ने केंद्र सरकार से इस्तीफा दे दिया था, वहीं BJP कोटे के मंत्रियों ने राज्य सरकार से अपना इस्तीफा दे दिया था। चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार शाम को अपने सांसदों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की थी। YSR पार्टी के 6 सांसदों ने शुक्रवार के लिए लोकसभा महासचिव को प्रस्ताव का नोटिस दिया है। मतलब साफ है कि अब TDP लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन कर सकती है। सदन में इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए कम से कम 50 सांसदों का समर्थन जरूरी होता है।